हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड चाहते हैं, मतलब जो बीमार ना पड़े, जिस ग्रूमिंग में हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों में टाइम स्पेंड करें। वो कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारे पास जितना टाइम है हम अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, मोस्टली उसके साथ खेल सकें, ना कि हम उसकी ग्रूमिंग में या फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाने में उतना टाइम ज़ाया करें। तो इस चक्कर में आप लोगों के लिए आ चुकी है टॉप 10 मोस्ट लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड की लिस्ट। आप लोग बताना इसके अलावा भी कोई डॉग ब्रीड हो तो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि और भी डॉग ब्रीड है जो कि आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली डॉग ब्रीड है वो है पिटबुल। पिटबुल डॉग ब्रीड हर कोई जानता होगा, जनरली काफ़ी ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड होती है, ईजिली रखी जा सकती है और इनकी ग्रूमिंग में भी टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता ज़्यादा, और जनरली हेल्दी होती है काफ़ी ज़्यादा, जिसके चलते ये हमारी लिस्ट में शामिल हुई है। अगली डॉग ब्रीड डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो डॉग ब्रीड के बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे, हंटिंग डॉग ब्रीड है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड होती है और ये लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड होती है, जिसे कि आप इजीली रख सकते हो, ना आपको इनकी ग्रूमिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता, और जनरली हेल्दी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड होती है। ये मोस्टली सुटेबल रहती है, अगर आपके पास बड़ा स्पेस हो तो आप वहाँ पर रख सकते हो, अगर आप छोटे स्पेस में रखते हो तो इन डॉग्स को प्रॉब्लम हो सकती है। अगली डॉग ब्रीड हमारी बुली कुत्ता है। बुली कुत्ता एक इंडियन डॉग ब्रीड है जो कि काफ़ी लोगों की मनपसंद डॉग ब्रीड भी होगी। बुली कुत्ता को आप इजीली रख सकते हो अगर आप रखने की बात करते हो तो, लेकिन अपार्टमेंट के लिए डॉग ब्रीड भी इतने ज़्यादा सुटेबल नहीं होते। आप इन्हें बड़े जगह पे रख सकते हो, अगर आपके पास फार्म हाउस है या फिर आपका घर बड़ा है तो आप वहाँ पे इजीली रख सकते हो। इन डॉग्स को अगर आप कच्ची ज़मीन देते हो तो इनके पैर स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर आप इन्हें कच्ची ज़मीन नहीं दे सकते किसी रीज़न के चलते, तो आप कोशिश ये करो कि आप अपने डॉग को वॉक पे ले जाओ लंबी थोड़े, या ग्राउंड में दौड़ा सकते हो। रोड पे दौड़ाने की जगह आप मतलब मिट्टी वाली जगह पे दौड़ाओगे या फिर वहाँ पर इनकी एक्सरसाइज कराओगे तो कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है डॉग के लिए। अगली डॉग ब्रीड मेलेनॉइस है, बेल्जियन मेलेनॉइस। आप लोगों की मनपसंद डॉग ब्रीड भी होगी कई लोगों की, क्योंकि ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है और काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक टाइप की डॉग ब्रीड होती है। अगर बात करते कई लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा यार पिटबुल लें या फिर हम बेल्जियन मेलेनॉइस लें, तो बेल्जियन मेलेनॉइस कंपेरेटिवली पिटबुल से भी थोड़ी ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड होती है और एग्रेसिव भी हो सकती है कई केस के अंदर, जिसके चलते बेल्जियन मेलेनॉइस लेने से पहले आपको प्रॉपर एक डॉग ट्रेनर से बात कर लेनी चाहिए कि बेल्जियन मेलेनॉइस आप लोगों के लिए सुटेबल डॉग ब्रीड रहेगी भी या नहीं रहेगी, क्योंकि कई लोग शौक के चलते तो ले आते हैं लेकिन फिर बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो अपने रिलेटिव्स को या फिर दोस्तों को फ्री में अपना डॉग देते होते हैं, जो कि बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप डॉग को लेके आए हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसका ध्यान रखें। अगली डॉग ब्रीड इंडिया से है राजा पल्यम। राजा पल्यम डॉग ब्रीड काफ़ी लोगों की इंडिया की डॉग ब्रीड में से जानते ही होंगे कि भाई हमारी मनपसंद डॉग ब्रीड राजा पल्यम है। राजा पल्यम डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डॉग ब्रीड होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड होती है, काफ़ी ज़्यादा लॉयल डॉग ब्रीड भी होती है। सब लोग मोस्टली लोग जानते ही होंगे, और आप लोगों ने इंडियन डॉग ब्रीड की सीरीज़ देखी होगी हमारी, तो उसके अंदर भी राजा पल्यम डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया था। इंडियन डॉग ब्रीड में अगर हम बात करते हैं, राजा पल्यम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डॉग ब्रीड है और बुली कुत्ता, ये दो डॉग ब्रीड मोस्टली लोग जानते ही जानते हैं। राजा पल्यम डॉग ब्रीड को रखने के लिए भी आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप छोटी जगह में रखते हो तो आप इनकी एक्सरसाइज का ध्यान रख सकते हो। बाकी ये डॉग ब्रीड गार्डिंग का काम बहुत ज़्यादा बखूबी करती है, जिसके चलते अगर आप लो मेंटेनेंस में एक गार्डिंग डॉग ब्रीड देख रहे हो जो कि आपको कॉस्ट भी कम करे, तो आप राजा पल्यम की तरफ जा सकते हो। अगली डॉग ब्रीड है मिनिएचर पिंशर। मिनिएचर पिंशर एक छोटे साइज़ की डोबरमैन जैसी दिखने वाली डॉग ब्रीड है, आप इसे इजीली रख सकते हो। हैंडल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस डॉग ब्रीड को, रखने का भी मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और ग्रूमिंग में आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होती है, चीज़ें सिखाओगे जल्दी जल्दी पिकअप करेगी, जिसके चलते आपका टाइम उसकी ट्रेनिंग की जगह आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करोगे। और एनर्जेटिक टाइप की डॉग ब्रीड होती है, अगर आपको लग रहा है भाई छोटे साइज़ के ज़्यादा वॉक के लिए जाने की जरूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये एनर्जेटिक डॉग ब्रीड होती है, जिसके चलते आपको इन्हें एक्सरसाइज तो करानी पड़ेगी। बाकी आप अगर पोमरेनियन लेते हो तो आपको पोमरेनियन में भी ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगली डॉग ब्रीड डोबरमैन पिंशर। जब मिनिएचर पिंशर की बात कर ली तो डोबरमैन पिंशर तो आ नहीं था। डोबरमैन पिंशर के बारे में हर कोई जानता ही है, मेरे को बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी कि वो डॉग ब्रीड लॉयल डॉग ब्रीड होती है, गार्डिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लोगों के लिए भी अच्छी रहती है जो कि अपने घर में एक ऐसी डॉग ब्रीड रखना चाहते हैं जो कि उनके साथ बिल्कुल शेडो बन के चले, वो वैसी टाइप की डॉग ब्रीड होती है डोबरमैन। अगली डॉग ब्रीड देसी डॉग है। देसी डॉग को भी आप इजीली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम ना के बराबर आएगी, क्योंकि देसी डॉग्स जो होते हैं
वो लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड होती है, इनके हेल्थ इशू भी ना के बराबर होते हैं, जिसके चलते काफ़ी लोग इन डॉग्स को अडॉप्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो कई इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो कि इंडियन देसी डॉग को प्रमोट करते हैं और अडॉप्ट भी करते हैं, जिसके चलते हमारी लिस्ट में शामिल हुए हैं। अगली डॉग ब्रीड फ्रेंच बुलडॉग। फ्रेंच बुलडॉग की ग्रूमिंग में आपको कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं डॉक्टर के पास का, तो डिपेंड करते हैं कि आपका डॉग हेल्दी है या नहीं है उस कंडीशन पे, क्योंकि ये डॉग डॉग वेरी करने वाली चीज़ें होती है। लेकिन जनरली फ्रेंच बुलडॉग एक अच्छी डॉग ब्रीड रहती है, लो मेंटेनेंस की और फैमिली डॉग ब्रीड भी होती है, जिसके चलते काफ़ी लोग इस डॉग ब्रीड की तरफ चले जाते हैं, जो कि बात सही भी है, क्योंकि आपको एक ही पैकेज के अंदर दो खूबियाँ मिल रही हैं। और छोटे साइज़ की डॉग ब्रीड होती है, एनर्जी लेवल इतना होता नहीं है, आप घर में इन्हें इजीली रख सकते हो, अपार्टमेंट की बात करो तो भी रख सकते हो, ट्रेनिंग देने में 19-20 का टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा भी ढीठ टाइप की डॉग ब्रीड नहीं होती, जो कि आपकी चीज़ें सिखाई हुई ना सीखे, जल्दी जल्दी चीज़ें सीख भी जाती है। लास्ट नॉट लीस्ट जो डॉग ब्रीड है वो इंडिया से मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड है। मुधोल हाउंड डॉग ब्रीड काफ़ी लोगों के मनपसंद डॉग ब्रीड में से भी एक है। आप लोग जानते ही होंगे कि ये बीच के अंदर इंडियन आर्मी भी इस्तेमाल कर रही थी, और ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, फास्ट रनर डॉग ब्रीड होती है, जिसके चलते इन्हें कच्ची ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इन्हें पक्के फर्श पर रखते हो तो इनके पैरों में प्रॉब्लम आ सकते हैं, दौड़ने भागने के लिए इन्हें कच्ची ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा जाए अगर आप इनमें से कोई भी डॉग ब्रीड लेके आते हो। वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।